शरद पूर्णिमा का समय था। बुद्ध एक गांव से अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ निकले थे। अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछा, तथागत क्या ईश्वर हैं? बुद्ध ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है? आदमी ने सर झुकाया और धीरे से कहा, तथागत मुझे तो लगता है ईश्वर हैं। बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और धीरे से कहा, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें, इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। आदमी हाथ जोड़ा और चला गया। बुद्ध गांव की पगडेरी पर आगे बढ़े। तेजुमी शरीर जो देखता अपलक्त रह जाता। गांव-गांव शोर हो जाता कि बुद्ध आ रहे हैं। गांव से निकलते ही एक और आदमी आया और पूछा, तथागत मैं कई दिनों से परेशान हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर और भगवान की बातें महज बकवास हैं। बुद्ध हंसे। आनंद स्वास्थ्य की तरफ देखकर बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, मूर्ख तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है, इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो तो, खोजो तो एक बार। इस जवाब को सुनकर आनंद और स्वास्थ्य आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो जवाब। दूसरे दिन की बात है, एक गांव के बाहर रात्रि विश्राम हेतु बुद्ध रुके हुए थे। आज तो स्वास्थ्य और आनंद भी थक गए थे। कितना पैदल चलना पड़ता है रोज, भोजन के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। तभी अचानक एक घबराए हुए व्यक्ति का प्रवेश हुआ। वो बुद्ध के पास आया और जोर से कहा, तथागत क्या ईश्वर हैं या नहीं हैं? मैं परेशान हूँ, मैं खोज रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। इस तीसरे आदमी के प्रश्न पर बुद्ध चुप हो गए, कुछ ना बोले, देर तक चुप रहे, मौन हो गए और आंखें बंद कर लिए। लेकिन आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। बुद्ध की ये चुप्पी हैरान कर गई। व्यक्ति के जाते ही आनंद से रहा ना गया। वो पूछ बैठा, तथागत कल से लेकर आज तक तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले, लेकिन मैं हैरान हूँ कि आपने तीनों का अलग अलग जवाब दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और स्वास्थ्य की तरफ देख कर कहा, आनंद जो पहले वाला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वो खोजना शुरू करें, ईश्वर है ये मानकर बैठ ना जाएं। वो सत्य तक पहुँचे। दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें कोरी हैं, मैंने उसकी धारणा को भी मिटा दिया ताकि वो खोजे कि ईश्वर है या नहीं। और तीसरा व्यक्ति अभी संयंस में था, खोज रहा था, मैं मौन रह गया, वहाँ मौन रह जाना उचित था। देखो आनंद, इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता वो सत्य क्या है कभी जान नहीं पाते। जान वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। आनंद जानने की यात्रा मुश्किल है, मानना आसान है। मानने में कोई खर्च नहीं है, कोई परिश्रम नहीं है। कोई कह दिया, समझा दिया, मान लिया, लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग इस संसार के सबसे अभाग्य प्राणी हैं। आनंद बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।